A very good morning, everybody. I am Dr. Mishra, and I'm working as a consultant in Department of ENT, Supreme Hospital. आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके लिए काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास ऑन रेगुलर बेसिस आते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज वर्टाइगो. और वर्टाइगो में भी कौन सा वर्टाइगो? इट इज़ बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, जिसको BPPV हम कहते हैं. BPPV जो है पेरिफेरल वर्टाइगो का सबसे कॉमन कॉज है. वर्टाइगो का मतलब क्या है? किसी भी डिपेंडेंट पोजिशन में अगर आप अपने आपका सिर किसी भी एक डिपेंडेंट पोजिशन में पहुंच के आपको चक्कर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्टाइगो. हर एक चक्कर आना वर्टाइगो नहीं होता है. डिजीनेस और वर्टाइगो को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. वर्टाइगो जब आपको होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो कमरा है, आसपास की सराउंडिंग्स हैं, वो घूम रही हैं. पर डिजीनेस, जैसे कि कभी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए या कभी आपके शुगर लेवल्स लो हो जाए, उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका सर घूम रहा है. सो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. द गुड न्यूज इज एट सुप्रीम हॉस्पिटल वी आर लॉन्चिंग वर्टाइगो क्लिनिक, अ स्पेशलिटी ऑफ वर्टाइगो विच विल बी फंक्शनिंग 7 days a week. इसमें आपको प्रॉपर टाइमली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट मिलेगा फ्रॉम मल्टीपल स्पेशलिटीज. हमारे पास ऑर्थोपेडिशियंस हैं, हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट्स हैं, हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट्स हैं, हमारे पास ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट्स हैं, जो कि इस बीमारी को प्रॉपरली मैनेज करने में और उसको डायग्नोस करने में उनका योगदान रहता है. अगर आपको सर्वाइकल कॉजेस से वर्टाइगो है तो आपको एक ऑर्थोपेडिशियन की कंसल्टेशन रिक्वायर्ड रहती है. अगर आपको कान की वजह से वर्टाइगो है तो आपको ENT स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड रहता है. अगर आपके आंखों में, आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं, आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों की वो ऐसे ऑसिलेट करती हैं, ऐसे कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो दिस इज कॉल्ड एज निस्टैग्मस. ये वर्टाइगो के साथ कभी कभी मिलता है. उसके अलावा सेंट्रल कॉजेस हो सकते हैं जो आपके ब्रेन के कॉजेस हैं, उसमें आपको न्यूरोलॉजी की कंसल्टेशन रिक्वायर्ड रहती है. सो एट सुप्रीम हॉस्पिटल वी आर प्रोवाइडिंग यू अ ब्लैंकेट ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ. हमारे पास फैसिलिटीज क्या क्या हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक इवैल्यूएशन, बेसिक टेस्टिंग. उसके अलावा हमें ये पता करना है कब आपको रेडियोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी. सो हमारे पास 0.5 mm के HRCT स्कैन्स हैं, हमारे पास MRI है. विल डिसाइड वेदर टू गो फॉर अ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और नॉट. उसके अलावा ऑफ्थाल्मोलॉजी कंसल्टेशन में डायनामिक विजुअल एक्विटी, जिसको हम DVA कहते हैं, उसकी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं. हमारे पास विजुअल एक्विटी को देखने के लिए, निस्टैग्मस को देखने के लिए, वी हैव वीडियो निस्टैग्मोग्राफी, जिसको हम VNG कहते हैं. वी हैव इलेक्ट्रो निस्टैग्मोग्राफी, जिसको हम ENG कहते हैं. इसके अलावा व्हाट डू वी हैव टू ऑफर इन डिपार्टमेंट ऑफ ENT? हमारे पास वी आर परफॉर्मिंग पोस्चरल टेस्टिंग. पोस्चरल टेस्टिंग में हम ये पता लगाएंगे कि किस पोस्चर में आपको वर्टाइगो ज़्यादा होता है. जब आप लेटते हैं तब आपको वर्टाइगो ज़्यादा होता है, या जब आप उठ के खड़े होते हैं सिटिंग पोजीशन में वर्टाइगो ज़्यादा होता है, या हेड मूवमेंट्स में वर्टाइगो ज़्यादा होता है. अगर ऐसे केसेस में अगर आपको वर्टाइगो हो रहा है तो वी हैव फैसिलिटीज ओवर हेयर टू परफॉर्म कैनाल रिपोजिशनिंग मैन्यूवर्स, जिसको हम कहते हैं CRMs या CRPs, कैनाल रिपोजिशनिंग प्रोसीजर्स. उसमें हम आपके इनर ईयर के अंदर जो क्रिस्टल्स कभी कभी लॉज हो जाते हैं, जिनकी मूवमेंट की वजह से आपको वर्टाइगो होता है, उन केसेस में हम कैनाल रिपोजिशनिंग प्रोसीजर्स करके उन क्रिस्टल्स को आपके इनर ईयर के फ्लूइड से डिसलॉज करते हैं. दीज आर मल्टीपल सेशन, 3 days, 3 days, 7 days, ऐसे सेशंस हम आपको यहां पे प्रोवाइड करेंगे, विच विल लीड टू इंप्रूवमेंट इन द सिम्टम्स ऑफ वर्टाइगो. अपार्ट फ्रॉम दिस, वेरी इंपॉर्टेंट इज वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी, जिसको हम VRT कहते हैं. वो फैसिलिटी भी सुप्रीम हॉस्पिटल में अवेलेबल है. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका वर्टाइगो अनट्रीटेबल रह रहा है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, आपको रिपीटेड अटैक्स आ रहे हैं, रिलैप्सेस हो रहे हैं, तो सुप्रीम हॉस्पिटल इज द बेस्ट चॉइस फॉर कंप्लीट इवैल्यूएशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.